अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 3 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अभ्यास 1 पढ़ाएंगे। बच्चों, अभ्यास 1 सबक का नाम है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब पिछले क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराना। पहाड़े मौखिक सवाल है, पहाड़े की सहायता से नीचे दी हुई आकृतियों में रिक्त स्थानों को पेंसिल से भरो। रिक्त स्थानों का मतलब जो खाली जगह है उसी को भरना है। बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पहली आकृति बनी हुई है और इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है 9, यानी कि 9 के पहाड़े का प्रयोग करके हमें जो भी खाली जगह दिखाई दे रही है उन सब में भरना है। जैसे देखिए 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा। यहाँ देखिए 54 भर के दिखाया गया है। उसी तरह से 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 9 × 7 = 63, 63 यहाँ देखिए भर के दिखाया गया है। अब आप लोगों को इसी तरीके का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है। जैसे 9 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, उसको यहाँ भरना है। आगे 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 81 आ जाए। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 81 आ जाए, तो 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे 81 आएगा, उसको यहाँ भरना है। आगे है 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, यहाँ भर के दिखाया गया है। ठीक इसी तरह 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 27 आ जाए, तो बच्चों 9 का पहाड़ा पढ़ो, जितनी बार में 27 आ जाए उसको यहाँ भरो। सवाल नंबर 2, यहाँ 8 दिया गया है तो इसमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है। बच्चों देखिए, यहाँ 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया है। पहले हम इसको देखेंगे कि 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया है तो 32 आया है, यहाँ 32 भरा गया है। अब आप लोग 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें और 7 बार पढ़ने पर जितना आता है उसको यहाँ भरें। अगला, 8 का पहाड़ा पढ़ा गया है, 48 आया है, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 48 आ जाए, जितनी बार में 48 आएगा उसको यहाँ भरना है। फिर है 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, जितना आए उसको इस जगह पर भरो। आगे है 8 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर जितना आएगा उसको इस जगह पर भरना है। आगे 8 का पहाड़ा 3 बार, तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो और जितना आंसर आता है उसको यहाँ भरो। सवाल नंबर 3, बच्चों इसमें 10 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 10 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा, 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा। इसी तरह से हम 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 80 आ जाए, तो बच्चों 10 का पहाड़ा पढ़ो, जितनी बार में 80 आता है उसको यहाँ भरो। आगे है 10 का पहाड़ा पढ़ना है, आंसर आया है 60, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 60 आता है उसको यहाँ भरेंगे। अगला, 10 का पहाड़ा पढ़ा गया है, 70 आया है, तो बच्चों 10 का पहाड़ा पढ़ो, जितनी बार में 70 आता है उसको यहाँ भरो। आगे है 10 का पहाड़ा 90 आया है,
तो बच्चों 10 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 90 आ जाए, जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहाँ भरेंगे।